माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार को दिल का दौरा पड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। यूं तो मुख्तार अंसारी पर कई सारे केस दर्ज थे, मगर वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 33 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे में सवाल लाजमी है कि आखिर अवधेश राय कौन थे जिनके कत्ल की सजा में मुख्तार को उम्र कैद मिली। आइए एक नजर डालते हैं अवधेश राय हत्याकांड की पूरी कहानी पर। अवधेश राय कांग्रेस के मौजूदा प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी गैंग ने 3 अगस्त 1991 को तब कर दी थी जब वो अपने छोटे भाई अजय राय के साथ लहुरा बीर स्थित अपने घर के बाहर खड़े थे। मारुति वैन पर सवार हो आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर अजय के सामने ही अवधेश को मौत के घाट उतार डाला। वारदात की वजह से चेतगंज थाने की दूरी बहुत कम थी, लेकिन उस दिन कोई बाहर नहीं निकला। बताते हैं अजय ने वैन का पीछा भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदमाश बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। अवधेश राय की हत्या के बाद पूर्वांचल के अपराध जगत में मुख्तार अंसारी का बड़ा नाम हो गया। बड़े बड़े सूरमा उससे खौफ खाने लगे। इसके बाद ठेकेदारी से लेकर रंगदारी तक हर तरह के आरोप मुख्तार गैंग पर चलते गए। उधर अवधेश के छोटे भाई अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। बताया जाता है इनमें से अब्दुल कलाम और कमलेश की मौत हो चुकी है। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में मामला चल रहा है। अजय राय उनके परिवार ने 32 साल लंबी कानूनी जंग लड़ी। बताया जाता है अवधेश राय की हत्या के पीछे चंदासी कोयला मंडी की वसूली और उनकी दबंग गई थी। अवधेश राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। अवधेश राय चंदासी कोयला मंडी से वसूली में अड़ंगा बन गए थे। इस कोयला मंडी पर मुख्तार का एक छत्र राज चलता था। उसका गिरोह मंडी के अलावा वाराणसी के तमाम व्यापारियों और बाजारों से भी वसूली करता था। अवधेश राय की मजबूती इसमें रुकावट डाल रही थी। बताते हैं कि कोयला मंडी पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण और हत्या की गई थी। इसका आरोप भी मुख्तार अंसारी गिरोह पर लगा था। अवधेश मुख्तार से प्रताड़ित लोगों के बीच मजबूत शख्स के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। बताते हैं इन्हीं कारणों से मुख्तार अंसारी ने 3 अगस्त 1991 को अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। अवधेश राय हत्याकांड की ओरिजिनल फाइल ही गायब हो गई थी। ये एक ऐसा मामला है जिसमें बिना ओरिजिनल केस डायरी की अदालत ने सुनवाई की और आरोपी को सजा सुनाई। ओरिजिनल फाइल गायब कराने का इल्जाम भी मुख्तार पर लगा था। उस पर इसे लेकर अलग से केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि केस डायरी गायब होने की वजह से भी अवधेश राय हत्याकांड की सुनवाई में लंबा वक्त लगा। इस मामले में वाराणसी की विशेष MP MLA अदालत ने बीते साल 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी कर ली थी और आदेश को 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मुख्तार अंसारी को अदालत ने 148, 149 और 302 के तहत दोषी पाया था। उन पर आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे 6 महीने और जेल में रहना पड़ता। इसके अलावा एक अन्य धारा के तहत 20,000 रुपए जुर्माना लगाया गया, उसे न चुकाने पर सजा में 3 महीने और बढ़ जाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।